होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया ने भारत में नया होंडा एक्टिवा 5G स्कूटर लॉन्च कर दिया है। इसकी पहली झलक पहली बार ऑटो एक्सपो 2018 में देखने को मिली थी। इस सुपर पॉपुलर स्कूटर को कई फीचर्स के साथ दो वर्जन विज एसटीडी और डीएलएक्स में लॉन्च किया गया है। फीचर्स की बात करें तो नए होंडा 5G में नए LED हैंड लैम्प दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूटर के फ्रंट एंड में क्रोम इंसर्ट है जो कि स्कूटर को बिल्कुल अलग लुक देते हैं। नए 5G स्कूटर में नया डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, साथ ही इसमें सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर भी है। होंडा के स्कूटर के फ्रंट में एक स्मार्ट बटन है जो कि एक पुश के साथ अंडर सीट स्टोरेज को खोलने में मदद करता है। नए होंडा एक्टिवा 5G स्कूटर में 109.19 सीसी का इंजन लगा है। होंडा के दूसरे स्कूटर्स की तरह इसमें भी कंपनी के पेटेंटेड कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम CBS है। यह स्कूटर की सेफ्टी को बढ़ाता है। इंडियन ऑटोमेटिक स्कूटर मार्केट में होंडा एक्टिवा 5G की टक्कर TVS जुपिटर और होंडा डुएट से होगी। कीमत की बात करें तो जहां पहले मॉडल की कीमत 52,460 रुपए थी, वही इस DLX वर्जन की दिल्ली में ex-showroom कीमत 54,325 रुपए होगी। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।